भिलाई की सुप्रसिद्ध चिकित्सकीय संस्थान हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सामाजिक पहल के तहत ओपीडी शुल्क में भारी कटौती कर दी है। मेडिसिन, डायबिटीज, ऑर्थोपेडिक्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, जनरल तथा लैब सर्जरी, स्त्री रोग एवं प्रसूति, शिशु रोग, कान नाक गला तथा त्वचा रोग विभाग की ओपीडी 150 रुपए कर दी गई है। हाईटेक की सामाजिक पहल, ओपीडी फीस में भारी कटौती। जी हाँ, हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपनी एक सामाजिक पहल के तहत ओपीडी रेटों में भारी कटौती कर दी है। इसके तहत अधिकांश विशेषज्ञों की ओपीडी अब केवल 150 रुपए होगी। एक विशेष वर्ग के लिए अस्पताल ने आईपीडी को भी CGHS दरों पर करने की घोषणा की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए हॉस्पिटल के निदेशक मनोज अग्रवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आम लोग बड़े अस्पतालों में जाने से इसलिए डरते हैं कि डॉक्टर को दिखाना अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपनी मर्जी से या मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले लिया करते हैं और कभी कभी समस्या और बड़ी हो जाया करती है। ऐसे लोग भी योग्य विशेषज्ञों को दिखाकर दवा ले सकें, इसलिए हमने ओपीडी फीस में कटौती कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज को समर्पित कुछ पेशेवरों के लिए भी अस्पताल कुछ करना चाहता है। फिलहाल इसकी शुरुआत मीडिया कर्मियों से की जा रही है। इनके या इनके परिवारों के सदस्यों का इलाज अब CGHS रेट पर किया जाएगा। बाइट लगा देना। जैसा कि मैम आपको बताया कि ये एक सामाजिक पहल जो है, ये आज नहीं, जिस दिन ये अस्पताल चालू हुआ था, मैंने सामाजिक पहल के ही उद्देश्य से इस अस्पताल को चालू किया। मैंने जैसा बताया कि मुझे ऐसा लगा कि भिलाई में मेडिकल की बहुत परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं, लोगों को रायपुर जाना पड़ रहा है या कहीं बाहर जाना पड़ रहा है इलाज कराने में। तो पहले दिन से, जिस दिन से मैंने ये हाईटेक चालू किया था, उसी दिन से मैं एक सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए ही इस अस्पताल को चालू किया हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएँ, इसलिए मैंने पिछले 3 महीने में जब हमारा अस्पताल एक व्यवस्थित तरीके से चलने लगा है और सारी सेवाएं हम देने के लिए अब तैयार हैं, तो एक सामाजिक पहल के तहत मैंने, मुझे लगा कि जो लोग गांव में हैं, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो भी इस अस्पताल में आएँ और अपने स्वास्थ्य का लाभ कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए हम हरदम तत्पर रहेंगे और इस शहर को इससे भी अच्छा, जो आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, उससे भी उच्च कोटि का इलाज देने का आगे भी प्रयास कर रहे हैं। मैम, उसके लिए धीरे धीरे उस चीज़ों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को भी आने वाले समय में हम डेवलप करेंगे। फिलहाल जो आज की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डिपार्टमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी चालू हैं, उसको हम लोग पूरे तरीके से, उनकी जो मशीनरी है, उनके जो इलाज के तरीके हैं, जो सामान लगते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट स्टेज में ठीक कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज में हमारा जो है, ये है बर्न यूनिट प्लस कैंसर यूनिट, ये हम 2 साल के अंदर अस्पताल में चालू करने का पूरा प्रयास करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।